हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू शिवराज ब्लॉग्स। तो आ गया क्या दोस्तों? आज मराठी महोत्सव का तीसरा दिन था और आखिरी दिन भी था। आज कुछ ज्यादा खास भीड़ तो देखने को नहीं मिला, अभी आपको दिखा देंगे। और इस समय आप देख रहे हैं कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैंने इसको शूट किया है, तो आपको पूरा खाली ग्राउंड में आपको दिखा देता हूँ। पूरा हाल खाली है इस समय। तो आज के जो खास मेहमान कलाकार थे वो थे पंकज उदास जी, जो कि गजल के प्रसिद्ध गायक हैं। Oh my God! Wow! चलिए आप सभी को उनका कुछ कार्यक्रम से आपको अवगत करा देते हैं। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे रंग, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे रंग, एक तू ही बाकी सभी निकलो ना बेनका जमाना पड़ो यारों के साथ उसकी कसम देकर मुझको तुम्हारे मुझको महकश समझते हैं सब बागों की तरह लड़खड़ाता है मेरी रग रग में नशा भुलाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और मेरे मित्र आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे भाई को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आप लोग तो हमें पहचान रहे होंगे, हम संदीप। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा दोस्त काफी मेहनत करता है और जो नहीं सब्सक्राइब करे हैं, नए हैं, वो प्लीज सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। सच बताओ तो कसम से ऐसा लग रहा है कि जैसे तीन दिन जैसे माहौल बना हुआ था, अचानक से एकदम सब कुछ खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में पंकज उदास जी आए, एकदम उदास करके चले गए। उनके दो लाइनें याद है, पागल है कुछ भी बोलता है, ध्यान मत दीजिएगा इसकी बात पे। असल में उनका नाम ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि उदास है, लेकिन वो उदास नहीं है, पंकज उदास है। इस बात को अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा, UDHAS लिखा जाता है, तो उदास नहीं है, उदास है। चलिए आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारा अगला वीडियो होने वाला है कल के नवरात्र मेले का जो माहौल है उससे मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा। हम लोग घूमेंगे, मस्ती करेंगे और मैया के दरबार में ले चल के आपको दर्शन भी कराएंगे। वैसे तो आप लोग आएंगे ही दर्शन करने,